सोहन के पास कुछ हिरन और एक भेड़ हुआ करता था जिनका वह बहुत ख्याल रखता। एक दिन एक चीता को उन हिरनों को देखकर बहुत लालच आया और वह उनके पास जाकर कहता है, तुम लोग तो कैद रहते हो, मैं तो खुले में रहता हूँ, चलो मेरे साथ जंगल के उस पार, वहाँ नदी पहाड़ और बहुत लंबे लंबे घास है। भेड़ वहाँ जाने से मना कर देता है लेकिन एक हिरन उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब वह जंगल के उस पार जाती है तो उसे पता चलता है कि चीता ने सही कहा है और ये बहुत सुंदर जगह है। उसे लगता है सब हिरन कैद में रहते हैं और वह बाकी लोगों को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है। सभी हिरनों को लगता है कि वो कैद है और वो आज़ाद होना चाहती है। भेड़ के मना करने के बाद भी वो सारे हिरन चली जाती हैं। जब वह पहुंचती है तो बहुत सारे चीता उन्हें दोनों तरफ से घेर लेते हैं। सोहन के वहां पहुंचते ही उसे पता चलता है कि सारे हिरन भाग गए हैं। फिर वह भेड़ से बड़े प्यार से पूछता है तो भेड़ उसे सारी बात बता देता है। जब तक वो दोनों पहुंचते हैं तब तक सारे हिरन मर चुके होते हैं।